नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना अमेज़न शॉपिंग हॉल। तो ये क्लोथिंग शॉपिंग हॉल रहने वाला है। सारा ही कलेक्शन जो आया है वो बहुत ही अमेजिंग आया है। इसमें मुझे अपना राखी ड्रेस भी मिल गया है, मतलब मुझे राखी या दशहरे का एक ड्रेस मिल गया है, बहुत ही अमेजिंग सा सूट है। तो डू चेक आउट द होल वीडियो एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद माई हॉल स्टोर, मतलब MHS। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा, वो क्लिक कर सकते हैं, उसमें आपको ये सारी शॉपिंग दिख जाएगी। इवन मेरे जो प्रीवियस अमेज़न हॉल वीडियोज है वो भी आपको कलेक्शन सारा वहां पर मिल जाएगा एक ही जगह पर विद पिक्चर्स एंड विद प्राइजेस। तो आपको अलग अलग लिंक्स को क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड ऑल्सो आज मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही है, मतलब तो अगर आपको थोड़ी थोड़ी बारिश की आवाज आए तो समझ जाइएगा कि बारिश है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट से। तो ये मैंने एक टॉप मंगवाया, टी शर्ट टॉप मंगवाया है वेरोमोडा का। तो एक्चुअली अभी सेल चल रही है अमेजन पे, बहुत ही अच्छी सेल चल रही है एंड बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं सारी चीजों पे। एंड आई थिंक ये 280 या 290 कुछ पे मिला है मुझे। तो यार देखो 280 290 में तो क्या ही बुरा है, ये कितना अमेजिंग लग रहा है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्स ऑफ परफेक्शन, सारे ब्लैक एंड ग्रे के शेड्स दिए हुए हैं। सो आई रियली लाइक इट, सिंपल सोबर सी टी शर्ट है। इनफैक्ट आपको घर पे नहीं पहनना है तो आप छोटे मोटे काम के लिए जो बाहर निकलते हो उसमें पहन सकते हो, नहीं तो आप घर पे पहन सकते हो। क्वालिटी बहुत अच्छी है। नाउ कमिंग टू माई सेकेंड प्रोडक्ट, ये मैंने मंगवाया है शॉपर्स स्टॉप का एक कोई ब्रांड है, इट्स फ्रैटिनी विमेन। तो ये काफी यू नो डिसेंट सा एंड क्लासी सा ड्रेस है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास या तो ड्रेस से मिनी ड्रेसेस जिनको बोलते हैं उस तरह की ड्रेसेस हैं, एंड या फिर मेरी जो ड्रेसेस है वो एकदम लॉन्ग है। तो मुझे मिडी लेंथ की जो ड्रेस होती है ना, जो मिड लेंथ होती है, 3/4 होता है, मुझे उस तरह की ड्रेस चाहिए थी। काफी डिसेंट लगती है, मतलब इस तरह का किसी के भी सामने पहन सकते हो। इट लुक्स वेरी क्लासी एंड इट लुक्स वेरी डिसेंट एज वेल, स्टाइलिश एंड डिसेंट ऐसा लगता है ये। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसका प्रिंट भी मुझे काफी अच्छा लगा, इस तरह का प्रिंट मेरे पास है भी नहीं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। सो दिस इज द प्रिंट, थोड़ा सा लेपर्ड प्रिंट है इसका, बट बहुत लाउड लेपर्ड प्रिंट नहीं है, डिसेंट सा है। आई रियली लव दिस ड्रेस, मुझे ये इतनी ज्यादा क्लासी लग रही है। पॉइंटेड हील्स के साथ ये अमेजिंग लगने वाली है एंड बहुत सटल सी एंड बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट, मैंने एक सूट मंगवाया है। तो ये चंदेरी का सूट है एंड बहुत सुंदर लगा मुझे। कशिश ब्रांड है ये एंड इस सूट का जो रेंज है वो 4000 है, बट मुझे ये 999 रुपीज में मिला है, बहुत अच्छे प्राइस मिला है। मतलब आप राखी वगैरह के लिए अपना ड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द टाइम कि आप राखी के लिए, नौ दुर्गे के लिए, दशहरा दिवाली के लिए ड्रेसेस ले सकते हैं, अच्छे प्राइस में आपको मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे चंदेरी का वर्क किया हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि ये कॉटन का सूट है तो आपको गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। हाँ, और उसके बाद जो इसका बॉटम है वो ऐसे प्लाजो स्टाइल में है, अगेन दिस इज इन द कॉटन। तो मुझे बहुत अच्छा इसका क्वालिटी, फैब्रिक सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी तक इसको पहन के नहीं देखा है, तो मैं अभी पहन के देखूंगी, मुझे भी इसका फिट समझ में आएगा कि एक्चुअली में कैसा है, और आपको भी देख के समझ में आ जाएगा। बट मुझे ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये हॉट करी का, दिस इज अ ड्रेस, कुर्ती ड्रेस काइंड ऑफ है ये, कॉटन का है और मुझे काफी अच्छा लग रहा था। इस तरह का कोई भी ड्रेस मेरे पास है नहीं अभी तक। अब मुझे नहीं पता कि ये मेरे बॉडी टाइप पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, वो मैं पहनने के बाद और आप भी मुझे बताइएगा कि ये ड्रेस अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो ये मैंने एक्सेस साइज में मंगवाया है, देखते हैं सही फिटिंग आती है कि नहीं आती। मैं वॉइस ओवर डाल दूंगी पहनने के बाद, क्योंकि एडिटिंग में मुझे समझ में आएगा कि कैसा था इसका सब कुछ। तो उसका क्लोथ का फैब्रिक मुझे काफी अच्छा लगा, इसका कलर काफी अच्छा लग रहा है, वैसे ही बहुत प्यारी लग रही है ड्रेस। सो लेट्स सी पहनने के बाद कैसी लगती है। आई थिंक आई एम गोइंग टू कीप दिस ड्रेस बिकॉज आई रियली लाइक इट, वेरी स्टाइलिश एंड आई डोंट हैव एनीथिंग लाइक दिस, मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं। सो थम्स अप फॉर दिस ड्रेस। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट टॉप, जो नेक्स्ट टॉप मैंने मंगवाया है वो है ये ओनली ब्रांड का, एंड ये मेरा जो साइज है इसमें 36 साइज है, एंड ये 2000 का टॉप था और आई थिंक ये 500 या 600 रुपए में मिला है। दिस इज अ रेयन फैब्रिक, काफी अच्छा फैब्रिक लग रहा है, मतलब काफी कंफर्टेबल फैब्रिक है और दिखने में भी मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है। तो ये है नेक्स्ट टॉप, फुल स्लीव्स है, फुल स्लीव्स के मेरे पास वैसे बहुत टॉप्स है नहीं, शर्ट्स या जो भी है। तो देखते हैं इसको पहन करके कि कैसा लगने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा लगे।
तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रेस है वो ये पोलका प्रिंट का ड्रेस है एंड दिस इज लुकिंग वेरी वेरी क्यूट। मतलब ये इतनी क्यूट लग रही थी मुझे ड्रेस, मैंने पहन के तो नहीं देखी है बट मुझे देखने में ही बहुत क्यूट लग रही थी। तो दिस इज अ मिड लेंथ बोलूंगी तो शॉर्ट ड्रेस है ये एंड दिस इज लुकिंग वेरी क्यूट। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्लीव देखिए इसका ये बहुत प्यारा लगने वाला है एंड इन फ्यूचर जब मुझे इसको ड्रेस नहीं पहनना होगा ना तो मैं इसका ये वाला पार्ट निकलवा करके सिर्फ इतना टॉप रखूंगी। तो ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। दिस इज फ्रॉम दी ब्रांड ओनली। इसका जो साइज है वो है 36। ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, पहन के दिखाऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट ड्रेस एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये थोड़ी सी किडिश लग रही है। मतलब लिटरली थोड़ी सी किडिश लग रही है। मतलब लग बहुत क्यूट सी रही है बट थोड़ी सी किडिश टाइप की नहीं लग रही। जस्ट डू लेट नो विक्की, तो मैं इसको दिखा के क्लियरली फोटो ऐसा लग रहा है कि मैंने ना किसी बच्चे की ड्रेस उठा के पहन ली है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं इसको कहाँ पहन करके जाने वाली हूँ। तो थोड़ी सी मुझे भी किडिश सी लग रही है। डू लेट मी नो। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वेरोमोडा का टॉप है। दिस इज इन द एम साइज। ये मैंने एम साइज में मंगवाया है। काफी मैश आप देख रहे हो पीछे का, आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा। तो टॉप इज रियली नाइस, मतलब आप इसको नॉर्मली कैरी कर सकते हो। मुझे कलर वगैरह इसका काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस डेनिम स्कर्ट। तो मेरे पास डेनिम स्कर्ट में दो ऑलरेडी है, एक ब्लैक कलर में है और एक ब्लू कलर में है। बट दोनों ही डेनिम स्कर्ट शॉर्ट है, मतलब काफी शॉर्ट है एंड ये जो है ये थोड़ा नी लेंथ के नीचे आता है, मतलब मिड लेंथ में आता है। तो पेंसिल स्कर्ट नहीं बोलूंगी मैं, ये पेंसिल स्कर्ट ना बहुत अनकंफर्टेबल होती है पहनने में। दिस इज नॉट एग्जैक्टली पेंसिल स्कर्ट, पेंसिल फॉर्म में नहीं है बट कंफर्टेबल है और बहुत स्ट्रेचेबल भी नहीं है। बट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इसका जो प्राइस है वो काफी सही है, मतलब 699 में आपको एक डेनिम स्कर्ट मिल रही है। पहले ये 2000 1500 में आती थी और दिस इज इन द साइज एस और पहनने में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, ये ओनली का डेनिम ड्रेस है ये। सो दिस इज अ डेनिम ड्रेस एंड आई रियली लाइक इसका जो स्लीव्स है, इसका जो ये पैटर्न है ये मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगा है एंड इसका जो डेनिम का फैब्रिक है ना ये बहुत जाड़ा नहीं है, जीन्स टाइप का जाड़ा नहीं है, वेरी थिन मतलब एकदम पतला सा, बहुत ही पतला सा इसका फैब्रिक है। तो आई एम श्योर कि ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल होगा, ऐसे ऑड नहीं लगेगा। तो मैं और पहन के दिखाऊंगी ना तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि कैसा है। ओके गाइज, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी लगी है बट इसका फिट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। नाउ लुक एट दिस, ये जो यहाँ पर आया हुआ है ना, या तो इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए था या इसको होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये यहाँ होने की वजह से ये बहुत अजीब सा, ऐसे बच्चों वाली फ्रॉक नहीं होती है, ये उस तरीके का फिट दे रहा है। सो आई एम डेफिनेटली नॉट गोना कीप इट। एनीवेज ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। तो थम्स डाउन फॉर दिस ड्रेस। नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट आया था ना, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा आएगा। मुझे लगा था कि ऐसे सो होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने बीबा के सूट मंगवाए ना वो दिखे कुछ और है और आते टाइम थोड़े फेडेड कलर आ जाता है या मतलब मजा नहीं आ रहा था उनको देखने में। तो मैंने ये ऐसा, मुझे मेरा दिमाग में ये था कि हाँ ये कलर इतना अच्छा दिख रहा है, पिक्चर में बहुत अच्छा दिख रहा है बट आएगा तो इतना ज्यादा वाव नहीं लगेगा मुझे। बट जैसे ही मैंने इसको पहन करके देखा, इवन विक्की सेड दिस कि मेक दिस योर राखी ड्रेस या फिर योर दशहरा ड्रेस, और मेरे को भी ऐसा लगा कि मैं किसी अपने फेस्टिव वाला ड्रेस में इसको कंसिडर कर सकती हूँ। ये इतना ब्यूटीफुल सूट है एंड साथ ही साथ इट इज सो कम्फर्टेबल। दिस इज द कुर्ता, इसको मैं आपको पास से इसका वर्क दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा ऐसे हैंडवर्क करा हुआ है एंड ये इसका स्लीव्स है और इसका जो स्लिट है ना वो काफी ऊपर है, इसका स्लिट है एंड ये थोड़ा सा ऊपर है। तो हम आते हैं, ये इसका बॉटम है, बट पैटर्न में है, ये इसका बॉटम है, बॉर्डर दी हुई है ऐसे फ्लोरल प्रिंट का है ये एंड अगेन ये इसका दुपट्टा है, प्योर शिफॉन का इसका दुपट्टा है एंड ये भी फ्लोरल प्रिंट में है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, आई थिंक 2500 या 3000 कुछ का है। इसमें क्या डिस्काउंट है क्या है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्योंकि मुझे याद नहीं है। बीबा का मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज बहुत अच्छा आता है, स्मॉल मंगवाती हूँ तो उसमें मुझे ऑल्टरेशन कराना पड़ता है, तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में है एंड आई रियली लाइक। उसके बाद मैं आपको
बहुत टाइम से बोल रही थी ना मुझे एक ब्लैक जीन्स चाहिए, अच्छी सी ब्लैक जीन्स चाहिए, ब्लैक जीन्स चाहिए. तो मैंने ना ये क्रॉस की एक जीन्स मंगवाई है ट्राई करने के लिए. ये मैंने पहन के देखी थी, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी अच्छी लगी, तो इट माइट पॉसिबल कि मैं इसको रख लूँ. मुझे इसकी फिटिंग वगैरह सब कुछ काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, और मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा. That's it for my video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. मैं मिलती हूँ आपको मेरे next video में. Description box में link दिया रहेगा my haul store का, वो check करना मत भूलिएगा. And मुझे बताइएगा जरूर कि इनमें से आपको जो मेरा बीबा वाला सूट बताया वो कैसा लगा, और कौन सा आपको इसमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट लगा. See you in my next video. Till then, bye.